तो आज मैं आपके लिए बॉर्डर का डिज़ाइन लाया हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारा ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना। तो आप इस तरह से देखिए, मैंने हल्का सा एकदम ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ से आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे यहाँ पे भी इसी तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास हमें निकाल लेना। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखें, ग्राफ के थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे, और ये जो थ्रेड होगा वो मेरा नीडल के देखिए इस तरह से, और ये आगे होगा। फिर हम यहाँ से आएंगे, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना। फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने थ्रेड को देखिए इस तरह से, हम अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें थ्रेड के नीचे से आना, नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से हम पहला स्टेप करते जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मेरा पहला स्टेप हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे इस तरह से हमें थ्रेड के नीचे से लाना, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, और इस तरह से हमें ग्राफ के पास निकाल देना है। तो इस तरह से हमें तीनों पॉइंट में इसी तरह से हमें अपने थ्रेड को यहाँ से यहाँ, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और यह जो दूसरा वाला थ्रेड है इसके ऊपर से हमें नीडल को निकालना है। तो फिर हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से सेम जैसा कि हमने सेकेंड स्टेप किया था, इसी तरह से हमें ये फर्स्ट स्टेप किया था उसी तरह से हमें ये सेकेंड वाला स्टेप भी करते जाना। जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे जाना, और ध्यान रखना कि जब भी दो थ्रेड हो जाए तो एक बार नीचे से और दूसरी बार ऊपर से। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ जाना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हमारा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से, यहाँ पे हम ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इसके नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें ये दूसरा स्टेप भी यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद ये इस तरह से देखिए, जो बीच में जो मेरा ग्राफ अभी रह गया इसे हमें बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से जो मेरा ये ग्राफ है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे या इसी तरह से ये जो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हमें यहाँ आना है। और जैसे जैसे हमारा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना है। और हमेशा थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना। अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, फिर हमें इस तरह से इस वाले थ्रेड के
नीचे से निडल को निकालते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से निडल को डाउन कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए ठीक ग्राफ के पास इस तरह से निडल को हमें निकालना है और यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे यहाँ इस तरह से ऑल्टरनेट, पहले ऊपर देखिए, यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर हमें आना इस तरह से और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है और फिर सेम इसी तरीके से नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ध्यान देना है कि हमें थ्रेड को लूज नहीं रखना, टाइट रखना है। इस तरह से हमें एक बार नीडल की सहायता से इसे टाइट कर लेंगे, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन गया और इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है जैसा कि हमने इसे बनाया है। तो अब हम इसका फिलिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको क्रॉस के पास नीडल को निकालना है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो सेम कलर का भी ले सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से, यानी कि सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे इस तरह से, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला पॉइंट में निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और हम ये तीसरे वाले पॉइंट में आएंगे। तो जब हम तीसरे वाले पॉइंट में आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये चार धागा हो गया। तो जब इस तरह से चार थ्रेड हो जाए तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से ऊपर से फिर नीचे से फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम फिर से यहाँ क्रॉस में आएंगे देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर से इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। तो फिर से आप पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ आना है और यहाँ भी चार थ्रेड हो गया। तो बस इसी तरह से डाउन अप डाउन अप। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो इसी तरह से डाउन अप, फिर ये मेरा ऊपर का थ्रेड है, फिर हमें इसे उठाना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस वाले पॉइंट से नीडल को निकालेंगे, फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल। तो सेम ये वाला पोजीशन जैसे यहाँ भी इसी तरह से हमें फिलिंग करना है। बस एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से पहले क्रॉस में आएंगे और यहाँ भी एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। सिर्फ पॉइंट के बीच से निकालेंगे और ये जो इस तरह से पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और जब इस तरह से चार थ्रेड हो जाए तो हमें करना क्या है, बस ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीचे ऊपर नीचे,
फिर यहाँ क्रॉस में आएंगे। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, और जब भी चार थ्रेड हो जाए तो बस ऑल्टरनेट करना, डाउन अप डाउन। तो सेम इसी तरीके से हमें इस साइड भी कर लेना है, यानी कि हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से हमें नीडल को निकाल लेना, और एक एक करके यहाँ भी इन तीनों पॉइंट के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। इसे मैं दो रंग से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे एक रंग से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत और सुंदर सा बॉर्डर का डिज़ाइन लगता है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम इसका ये जो सेंटर है इसमें फिलिंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस के पास मैंने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो जब हम यहाँ से आएंगे ये जो भी डाउन का थ्रेड है, देखिए ये और ये दोनों थ्रेड इस तरह से हमें नीडल पे उठा लेना है, फिर इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। नीडल की सहायता से हमें अपने थ्रेड को इस तरह से यहाँ पे इसे ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब भी हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से जो भी डाउन का थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। फिर से इस तरह से हमें इस पॉइंट के बीच से, देखिए इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए सेम इसी जगह पहले वाले थ्रेड से हमें नीडल को उठाते हुए ठीक यहाँ पे हमें डाउन करना है। फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे इस रेक्टेंगल में निकाल लेना है, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप, ये डाउन फिर अप। तो अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए सिर्फ ये जो डाउन का थ्रेड है इसे उठाते हुए हमें यहाँ पे आना है, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर से हमें यहाँ पे इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो बस हमें इस तरह से डाउन अप डाउन अप, और फिर से हमें यहाँ पे अप डाउन अप डाउन, और फिर यहाँ से इस तरह से जो भी डाउन का थ्रेड है बस हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इस पॉइंट पे आना है, और सेम ये मेरा जो थ्रेड है पहला वाला इसे उठाते हुए हमें सेम जगह पे इस तरह से नीडल को डाउन करना है। और यहाँ से अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है, और हमें यहाँ से यहाँ पर जाना। तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हमें इस थ्रेड के
नीचे से, यानी हमें इन दो थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर इस तरह से नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखें, इस वाले थ्रेड के नीचे से होते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर दूसरे वाले थ्रेड के इस तरह से देखें, हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाना है और फिर हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे इसके नीचे से। तो अब हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से एक पूरा ओवल शेप का हमें बनाना। तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हमें इन दोनों थ्रेड के नीचे से, जो डाउन का थ्रेड है उसके नीचे से जाना, फिर इस तरह से देखिए, और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। और फिर हमें इसी तरह से देखें, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो पूरा एक ओवल शेप का बन गया। अब हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए, अब हमें यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे नीडल को निकाल लेना। तो यहाँ भी इसी तरह से एक पूरा सा ओवल शेप बनेगा। तो फिर हमें यहाँ पे देखें, इस तरह से देखें, डाउन, पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर से हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से अप डाउन अप, ऑल्टरनेट करते जाना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, क्योंकि ये मेरा लास्ट है। तो इस तरह से बस ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ फिर से ऊपर होगा और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से नीडल को निकाल लेना। तो देखिए इस तरह से बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर इस तरह से नीचे से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो बस इसी तरह से पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट करते हुए हमें इसे पूरी तरह से फिल कर लेना है। तो ठीक, यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। और एक बार फिर से हमें इसी तरह से इसे भी हमें इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें नीडल को यहाँ पे निकालेंगे, और जो भी डाउन का थ्रेड है बस उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और बस इसी तरह से जैसा कि हमने इसे बनाया, इसे भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया, और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बॉर्डर के रूप में किसी भी जगह पे, साड़ी में, सूट के स्लीव में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।